आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे CSS ट्यूटोरियल सीरीज का 10th नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको CSS में मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा 9th नंबर का वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने CSS बॉक्स मॉडल के बारे में बताया, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको इसमें मैं जो आपको समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो की अब अपना शुरुआत करते हैं। और इसमें मैंने पहले से एक HTML डॉक्यूमेंट बना के रखा है, जिसमें मैंने कुछ बेसिक सा कोड लिख के रखा है, और एक एक्सटर्नल CSS फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक के जरिए अटैच करके रखा है। ये जो स्टाइल शीट वाली फाइल है, उसका नाम मैंने style.css रखा है, और ये दोनों फाइल को मैंने एक ही फोल्डर के अंदर रखा है, जिसका नाम मैंने प्रोग्राम्स रखा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्जिन का क्या यूज़ है। तो इससे पहले हम लोग एक क्लास सेलेक्टर बनाएंगे। बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें डॉट लगाना है, उस सेलेक्टर का नाम लिखना है जो भी हम बनाना चाहते हैं। मैंने इसका नाम बॉक्स रख दिया, उसके बाद फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। उसके अंदर मैं वो प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो भी मैं सेलेक्टर में मतलब देखना चाहता हूँ, जो भी मतलब वेब पेज पे। तो सबसे पहले तो इसका यूज़ कर ले, इस सेलेक्टर का क्या है। तो इसके लिए मैं जो हूँ डिव टैग का यूज़ करूँगा। डिव टैग में मैं क्लास एट्रीब्यूट को लिखूंगा, उसके अंदर मैं उस सेलेक्टर का नाम लिखूंगा जो मुझे यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे बॉक्स है। तो मैंने यहाँ बॉक्स लिख लिया और ये मेरा जो है डिव टैग भी बन गया। अब मुझे इसके अंदर वो स्टाइल प्रॉपर्टीज लिखनी है जो मैं वेब पेज पे देखना चाहता हूँ। ये वेब पेज मेरा यहाँ पे ओपन है, तो मैं इसमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा। इसके लिए मैंने बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया और उसमें से कलर सेलेक्ट कर लिया, कोई भी कलर। अब उसके बाद फिर मैं ये होम वाले अपने HTML डॉक्यूमेंट में गया और उसमें ये डिव टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग डाल दी, और फिर मैं इसको अपने वेब पेज में जाके रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए बन के आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो हेडिंग वाला जो लाइन है, ये एकदम ऊपर से नहीं आ रहा, मतलब इसमें थोड़ा सा गैप बन के आ रहा। तो इसके लिए हमको मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट 0 सेट करनी पड़ेगी, जिसे CSS रीसेट कोड भी कहा जाता है। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम लोग स्टार का यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स में वो प्रॉपर्टीज लिखेंगे CSS की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग है। तो मैंने मार्जिन लिख दिया और उसके बाद मैंने 0 कर दिया, और फिर पैडिंग लिख दिया और ये भी 0 करके मैंने ये सेमी कॉलन दे दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए एकदम ऊपर से आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, अपनी जो बॉक्स मेरा जो क्लास सेलेक्टर है, इसमें मैं एक बॉर्डर बनाऊंगा। और बॉर्डर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम जो है वो बॉर्डर है, उसके बाद कॉलर लगाना है, उसके बाद मुझे ये वो वैल्यू लिखनी है पिक्सल्स में कि मतलब बॉर्डर कितना जो है मोटा होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 5 पिक्सल लिख दिया। उसके बाद बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए, बॉर्डर जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, और भी कुछ अलग तरीके, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रूव का यूज़ करूँगा। तो मैंने ग्रुप लिख दिया, और थर्ड लाइन में मैं वो कलर लिखूंगा जो मैं अपने बॉर्डर के लिए चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, और फिर मैंने सेमी कॉलर लगा दिया। ये कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा बॉर्डर हो गया। अब जो है, अब असली चीज़ की बात करनी, जो कि मार्जिन प्रॉपर्टी है। तो मार्जिन जो है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप बॉर्डर के ऊपर से गैप क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आप चाहते हैं कि जो ये पूरा जो बॉक्स बन के आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा नीचे आए, मतलब ऊपर से थोड़ा खाली रहे, थोड़ा नीचे आए, तो इसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। मार्जिन टोटल 4 तरह के होते हैं। एक होता है मार्जिन टॉप, एक होता है मार्जिन बॉटम, एक होता है मार्जिन लेफ्ट, और एक होता है मार्जिन राइट। मतलब इन 4 तरीकों के मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट से स्पेस देना चाहते हो तो आपको मार्जिन लेफ्ट लिखना है, अगर आपको टॉप से देना तो टॉप से, और बाकी फिर जैसे वैसे। और एक होता है कि एक तरीका है कि आप केवल मार्जिन लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सल सेलेक्टर में। इसका मतलब ये होता है कि इसके मार्जिन लिखने के बाद जो भी वैल्यू रहेगी वो सारे जो जितने भी मार्जिन है उनके लिए होगी। मतलब यहाँ पे जो 0 है तो उसने टॉप से राइट से लेफ्ट से हर जगह से उसको मार्जिन 0 दे दिया। लेकिन अब हम अपना ये बॉक्स में जो है मार्जिन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मार्जिन, उसके बाद माइनस लिख के जहाँ से हमको देना है, हमें टॉप से देना, तो मैंने टॉप लिखा, कोलन लगाया, और फिर पिक्सल्स में उतनी वैल्यू लिख दी जितने का हमें मार्जिन देना है। आप चाहे तो उसमें परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि आप 5% लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 15 पिक्सल लिख दिया, उसके बाद मैंने ये सेमी कॉलन लगा दिया, और फिर जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं बॉर्डर के बाहर से हमको जो है ये स्पेस क्रिएट हो गया। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप इसे 50 कर लें। अब अगर हमको लेफ्ट से इसको बॉक्स को हटाना हो, मतलब ये आप कर्सर मेरा माउस का देख सकते हैं, यहाँ से अगर हटाना हो तो उसके लिए हम मार्जिन और लेफ्ट का यूज़ करेंगे।
मार्जिन और फिर माइनस लिख के आपको लेफ्ट क्लिक देना है, और उसके बाद जितना भी पिक्सल का आप डिस्टेंस मतलब क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैंने 50 पिक्सल कर दिया तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन को यूज़ करना। और दूसरी दो और प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ, वो है हाइट और विड्थ की। तो हाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे हैं, आप ये बॉक्स देख रहे हो किसका एक फिक्स्ड साइज में आ रहा है, मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ा और लंबा होना चाहिए, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें हाइट लिखना है, कॉलन लगाना है, और फिर हमें वो वैल्यू लिखनी है पिक्सल्स में जो हम मतलब जितने की हाइट हम बनाना चाहते हैं। चाहे इसको भी आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप 85% ऐसे करके लिख सकते हैं, तो और पिक्सल्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पिक्सल में लिखूँगा, तो मैंने 350 पिक्सल कर दिया, और उसके बाद जो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं इसकी हाइट भी बढ़ गई। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं विड्थ। अगर आप इसकी विड्थ को छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विड्थ लिखना है, और इस छोटा वाला दोनों काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको विड्थ लिखना है, WI ये लिखा विड्थ, और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू लिखनी है। आप चाहे तो उसको परसेंटेज में भी रख सकते हैं, पर मैं पिक्सल में ही रखूँगा। मैंने यहाँ पे 250 पिक्सल कर दिया और सेमी कॉलन लगा दिया और ये रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए ये हमारा बॉक्स यहाँ पे इतना छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन दे सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन क्या है। मार्जिन आपको जो है गैप क्रिएट करता है बॉर्डर के बाहर से। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने तरह के मार्जिन होते हैं। मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन लेफ्ट होता है, मार्जिन राइट होता है, और मार्जिन बॉटम होता है। बॉटम का मतलब है कि नीचे से मार्जिन मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये सब प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।